ये सट्टेट वोट ना सिम को देंगे, या तीसरा जी है भाई है। काम करवाया छोरा ने भाई, शुरू से सबन के सुख दुख में काम लावे छोरो। और बताओ जी, चौधरी सकरुल्ला खान की देन बताते हैं कि जो ये आज जहाँ लगे हुए हैं, ये चौधरी सकरुल्ला खान की देन है कि जो भजन लाल के सामने ये भैया पर्दा लगा लो, लेकिन रेडी और ये जो फल बेचने वाले यही रहेंगे। रेहड़ी वाले तो शुरू से ही है, एक 50 सालों से है, ना कभी यहाँ से गए ना कभी जाएंगे। चाहे भाई कांग्रेस आ जाए चाहे बीजेपी आ जाए, रेहड़ी वाले सदा ही रहेंगे, पर रेहड़ी वाले सारे ही नसीम के साथ है। क्या कहोगे, बीजेपी जीत पाएगी यहाँ से? भैया बीजेपी का तो भैया 99% चांस है यहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद भाई। कहा जाता है जो आज रेहड़ी और ये फल जो लगाए जा रहे हैं ये चौधरी शकरुल्ला खान की देन है, क्योंकि चौधरी भजनलाल के सामने उन्होंने कहा था कि ये फड़ यहीं रहेंगे, आपको दिक्कत है जिसको पर्दा लगा लो, लेकिन ये आज तक भी यहाँ है। तो कैसा देखते हो इस बात? बढ़िया देखते इस बात को। तो इस बारे में पता था आपको? ना मालूम ना इस बारे में, ये हमें जो बताया ये फैक्ट बात है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे नसीम अहमद के लिए? भाई नसीम भाई सब वोट दो मिलजुल के, नहीं सबका सम्मान करो भाई, जो भी आवे सम्मान दूसरी बात है, वोट देना दूसरी बात है। हेलो, तो कौन सा चुनोगे आप, सम्मान दोगे या वोट दोगे? फिलहाल तो अभी मशवरा करके बता देंगे, और अभी तो घना दिन बच रहा है, 15-20 दिन। अच्छा, अभी मशवरा नहीं किया है? अभी मशवरा ना हुआ। तो क्या लगता है आपकी बात, कांग्रेस भाजपा मुकाबला बराबर ही रहेगा मेरे हिसाब से? अच्छा, मुकाबला बराबर है। अच्छा, हबीब भवन नगर आने से कांग्रेस को क्या फर्क पड़ने वाला है? 10-20 हजार वोट ने तो बिगाड़ेगा अभी हमें नगर वालों। तो फिर किसका फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? अब तो पब्लिक के पता हो जाकर जान बनो पड़ो वहीं वोट देगी, जहाँ काई को कितनी बनो पड़ो, काई को कितनी बनो पड़ो। तो आपका कहाँ बना पड़ा? अभी बता देंगे मशवरा करके। नहीं अभी मतलब पर्दे में रख रहा है? पर्दा में सही, अभी फिलहाल अभी तो घना दिन बच रहा है।